हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोमाघाता मारू इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंसिडेंट हुआ कब था। 1914 में हुआ था। अब कोमाघाता मारू था क्या, ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक जैपनीज स्ट्रीमलाइनर था, मतलब आप याद रख सकते हैं एक शिप था, विच वॉज ओन्ड और हेडेड बाय गुरदेव सिंह सन्नू। मतलब इसके जो हेड थे, ये आप कह सकते हैं, इट वॉज ओन्ड बाय गुरदेव सिंह सन्नू। ठीक है, अब काम क्या था इस शिप का, टू ब्रिंग इंडियन इमिग्रेंट्स टू कैनेडा। वो इंडियंस जो कैनेडा जाना चाह रहे थे, उनको वहाँ पर लेके जाना था। ठीक है, अब इस शिप में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, राइट? सो हुआ क्या, अब पहले तो टोटल पैसेंजर्स कितने थे इसमें। टोटल 376 पैसेंजर्स थे इस शिप में, सभी के सभी पंजाबीज थे, राइट? इसमें से 340 सिख थे, 12 हिंदू थे और 24 मुस्लिम थे, राइट? नाउ अब ये शिप कहाँ पे था, ये था हांगकांग में। ये हांगकांग से निकला, ठीक है, जापान में रुका और वहाँ से इसने जाना था कनाडा, यानी कनाडा की कैपिटल वैनकूवर में जाना था। अब होता क्या है कि जैसे ही शिप कनाडा पहुँचा था, वहाँ के जो कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ थी, मतलब जिनका ये इमिग्रेशन का काम होता है, वो जो अथॉरिटीज़ थी, दे टर्न देम बैक इन कनाडा। उन्होंने इनको वापस भेज दिया। लेकिन वापस भी कैसे भेजा, आफ्टर 2 months ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब 2 महीने ये वहीं पे, आप कह सकते हैं कि शिप में ही रहे, वहाँ पे वेट करते रहे अपने डॉक्यूमेंटेशन का या जो भी काम होगा, तो वो काम नहीं हुआ। 2 महीने ये अनसर्टेन रहे क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन लॉज बने थे और उन लॉज के जो अथॉरिटीज़ थी, मतलब जो हेड थे जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ऐसा माना जाता है कि उनको ब्रिटिशर्स ने जो है एक तरह से प्रॉम्प्ट कर दिया था, मतलब उन्हें भड़का दिया था। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का टाइम रहा, वो लोग शिप में ही रहे। उसके बाद भी क्या हुआ, इतने टाइम यानी 2 महीने शिप में रहने के बावजूद भी सिर्फ 24 लोगों को, यानी 24 पैसेंजर्स को परमिशन मिली थी कनाडा में लीगली स्टे करने के लिए, और बाकी लोगों को वहाँ से वापस भेज दिया। ठीक है, सो आफ्टर 2 months ऑफ अनसर्टेनिटी, शिप फाइनली एंकर्ड एट कलकत्ता। अब शिप क्या हुआ, शिप को वहाँ से वापस आना था, वो पहुँच गया कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ पहुँचा, कलकत्ता में पहुँचा बज पे। ठीक है, लेकिन अब बज में जैसे ही पहुँचा, वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस चाहती थी अरेस्ट करना बाबा गुरदीप सिंह संधू, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना, हेड थे इस पूरे के पूरे शिप के। पुलिस चाहती थी उनको अरेस्ट करना और भी कुछ लोगों को, जो लगता था पुलिस को कि लीडर्स हैं इस चीज़ के, तो उनको अरेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद क्या, एक जनरल राइट आप कह सकते हैं, थोड़ा सा दंगा हो गया था हल्का फुल्का, जिसमें फायरिंग हो गई थी। अब फायरिंग हो गई तो काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की उसमें डेथ हो गई, कुछ भाग गए, कुछ अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट भी ऐसे नहीं कि उनको जेल में डाला हो, उनको जो है देवर सेंट टू देयर विलेजेस, उनको उनके अपने अपने गांव भेज दिया गया था और उनको विलेज अरेस्ट पे रखा गया था। अब विलेज अरेस्ट क्या होता है, विलेज अरेस्ट होता है कि आप जिस गांव में हो आपको वहीं रहना है, आप उस गांव से बाहर जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो उन्हें विलेज अरेस्ट पे रखा गया। अब इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को कहते हैं बज बज राइट। अब आप सोच रहे होंगे कनाडा के लोगों ने इंडियंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉज थे कि आपको, आप वहाँ पे लीगली स्टे करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बहाना लगा के वहाँ के लोगों, यहाँ के लोगों को वापस भेज दिया। जब लोग यहाँ पे आ गए तो पुलिस यहाँ पे, मतलब एक तरह से कह सकते ना कि भड़क गए कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों उन्हें, इन्हें वहाँ क्यों नहीं रहने को मिला, है ना, वापस नहीं आप ऐसे आ सकते, तो फिर ये भी इशू हो गया। ठीक है ना, गुरदेव सिंह संधू, अब इन्होंने क्या किया, ही मैनेज टू एस्केप, ये वहाँ से भाग गए। लेकिन ये भाग तो गए, 1922 तक ये छुपे भी रहे, लेकिन फिर ये महात्मा गांधी जी से मिले, MG मतलब महात्मा गांधी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, उनसे मिले और महात्मा गांधी ने कहा दैट यू आर ए ट्रू पैट्रियट और आपको इस तरह से भागना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों से, अपनी बातों से उनको इतना मॉड्यूलेट कर दिया कि उन्होंने क्या किया, लास्ट में सरेंडर कर दिया, वो जेल चले गए, 5 साल वो जेल रहे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कोमाघाता मारू इंसिडेंट। अब कहते क्या हैं कि जो 1909 से 1915 का टाइम था, इट हैज़ द लोएस्ट एब इन द नेशनल मूवमेंट, मतलब सबसे कम काम जो है नेशनल मूवमेंट में इसी टाइम पे था, कोई काम नहीं था। अ वैक्यूम पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप, ना किसी के आइडियाज थे इस टाइम पे, बिल्कुल खाली था, ना कोई लीडरशिप थी। INC वॉज डायरेक्शनलेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई थी। सो इस सब के बाद एक नई चीज़ आती है, होम रूल लीग। अब होम रूल लीग जो है
इसने आगे का सारा कार्यभार संभाला। लेकिन ये था क्या, किसने स्टार्ट किया, किन किन एरियाज में स्टार्ट हुआ था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एंटायर जो नेशनल मूवमेंट है उनको थ्रू नोट्स पढ़ने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो भी नेशनल मूवमेंट में जो भी इवेंट्स आते हैं ना, उनको हम इसी तरह शॉर्ट नोट से डिस्कस करेंगे। एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।